जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आई है, तो कई सारे लड़के जो बोल रहे थे कि बीच में कि टेरिटोरियल आर्मी बंद हो गई है, बंद हो गई है। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी बंद नहीं हुई है। टेरिटोरियल आर्मी के वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आई है। तो फॉर्म कब से भरे जाएंगे और एज लिमिट क्या रहेगा और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती आई है वो ऑफिसर्स की भर्ती है दोस्तों। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन, ठीक है दोस्तों। ये ऑफिसर्स की भर्ती है, इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन, और मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 23/10/2023 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, और 21/11/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन फीस जो है, जो फॉर्म भरे जाएंगे उसके लिए जनरल, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए 500 रुपया जो है ऑनलाइन फीस है दोस्तों फॉर्म भरने की, ठीक है। अगर आपका भी आर्मी में जाना है, सपना है, और आप भी टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि टेरिटोरियल आर्मी की जो है भर्ती आई है, ठीक है दोस्तों। तो टेरिटोरियल आर्मी की जो भर्ती है ऑफिसर्स के लिए, मेल एंड फीमेल कोई भी फॉर्म इसमें भर सकता है। जो बोल रहे थे कि टेरिटोरियल आर्मी बंद हो गई है, तो बंद नहीं हुई है दोस्तों, अभी ये ऑफिसर्स की भर्ती आई है। कुछ समय बाद में 4-5 महीने के अंदर में ही आपको देखने के लिए मिल सकता है कि जनरल ड्यूटी के लिए जीडी की भी भर्ती आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये अफसर्स की भर्ती आई है। कोई बोल रहा था कि अपना कोई बदलाव किया गया, कोई बदलाव नहीं किया गया है दोस्तों। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले अफसर्स की भर्ती होती थी उसी तरह से ये भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका होगा रिटर्न, ठीक है। रिटर्न होने के बाद में फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। तो यह सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों। तो अभी बात करते हैं कि इसके लिए अपना एज लिमिट क्या रहेगा। एज लिमिट है दोस्तों 18 साल से 42 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप ऑफिसर्स में अगर आपको आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है दोस्तों, कि ये कोई फेक न्यूज़ लग रही होगी, फेक न्यूज़ नहीं है। अगर आपको भी टेरिटोरियल आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जाके आप भी खुद चेक कर सकते हैं, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आपको अगर फेक लग रही है तो आप भी टेरिटोरियल आर्मी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।